इतिहास अतीत के कई किस्सों और कहानियों का संग्रह होता है जो कभी आपको आश्चर्यचकित करेगा तो कभी रोमांचित। हालांकि इसकी कई बातें सच होती हैं तो कई बनावटी, लेकिन यही चीज़ें उन किस्सों को लोगों में मशहूर करती है। आज हम आपको ऐसे ही एक ऐतिहासिक धरोहर की सैर पर ले चलेंगे जो आपके जिज्ञासा को और भी उत्तेजित कर सकती है। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर सोन नदी के तट पर औरंगाबाद स्थित दाऊद खान किला, जिसके बारे में जानने के बाद वहां जाने की जिज्ञासा आपकी भी ज़रूर होगी। औरंगाबाद सोन नदी के किनारे बसा हुआ एक प्यारा सा शहर है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक विषयों को आपस में जोड़ता है। दाऊद नगर स्थित दाऊद खान का किला आज भी 17वीं शताब्दी का याद दिलाता है। दाऊद खान तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। दाऊद खान औरंगाबाद से पूर्व स्थित शेर घाटी से जंगलों में प्रवेश करके पलामू किला पर आक्रमण किया था। उस समय पलामू से नज़दीक में दो मजबूत किला था, एक किला पहाड़ पर था और दूसरा मैदान में बना हुआ था। उन दोनों किला के बीच एक नदी बहती थी। किला के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल था। उस समय पलामू के राजा मेदिनी राय थे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सूरत सिंह को दाऊद खान के पास संधि के लिए भेजा, पर दाऊद खान संधि करने से इनकार कर गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में मेदिनी राय की सेना हार गई। जानकारों का मानना है कि पलामू में युद्ध जीतने के बाद वापस जा रहे दाऊद खान ने वर्तमान दाऊद नगर के क्षेत्र में आराम करने के लिए सैनिक कैंप डाला। उसे यह क्षेत्र काफी पसंद आया। उसने दाऊद नगर नाम की शहर की स्थापना की और वहां पर किला का निर्माण करवाया। कुछ वर्ष के बाद दाऊद खान को दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर का कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। अकबर ने अपने सेनापति को दाऊद नगर भेजा। सेनापति मुनीम खान और दाऊद खान के साथ 3 मार्च 1575 हुए जंग में वह मुगलों से हार गया था। इसके बाद भी दाऊद खान ने दिल्ली मुगल बादशाह के क्षेत्रीय सेना के साथ बराबर युद्ध करता रहता था। अंत में अकबर ने खान जहां कुली के नेतृत्व में एक नई सुसज्जित सेना को दुर्जय शत्रु दाऊद खान से युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों की सेना के बीच राजमहल के मैदान में भयंकर युद्ध कई दिन तक हुआ। यह युद्ध अकबर के लिए सर दर्द बनता जा रहा था। अकबर ने उस समय के बिहार के गवर्नर मुजफ्फर खान और अन्य जनरल को अपने सेनापति खान जहां कुली को मदद करने के लिए कहा। दोनों सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। 12 जुलाई 1576 को दाऊद खान हार गया और उस लड़ाई में दाऊद खान मारा गया, जिसके बाद दाऊद नगर किला का पतन होना शुरू हो गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर में 4 फाटक बनाए गए थे, जिसमें आज भी एक फाटक पुरानी शहर और नई शहर के बीच में मौजूद है। किला की सुरक्षा के लिए किले के चारों ओर दीवार बनी हुई है। किला में प्रवेश के लिए 2 द्वार बनाए गए थे। सैनिक की तैनाती के लिए दीवार के चारों ओर जगह बनाई गई थी। किले के अंदर के क्षेत्र में खुफिया सुरंग भी बनाई गई थी जो अभी भी देखी जा सकती है। यह सुरंग कहाँ जाकर मिलती है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। दाऊद खान के द्वारा बड़े सराय खाने का भी निर्माण कराया गया था। शहर में अभी भी एक सड़क सराय रोड के नाम से जानी जाती है। बुकानन ने अपनी यात्रा के दौरान रास्ते का नक्शा बनाया और सर्वे भी किया है। बुकानन ने 1812 के करीब यहाँ का सर्वे किया। वह अपनी यात्रा में लिखते हैं कि दाऊद खान, जिसके नाम से इस शहर का नाम रखा गया, उसने एक सुंदर किला बंद सराय का निर्माण कराया। यह आयताकार है और ईंट की दीवारों से निर्मित है। उसमें सुंदर नक्काशी भी है। दाऊद खान के वंशज सराय के जीर्ण शीर्ण भाग में अपना आवास बनाकर रह रहे थे। बुकानन के दृष्टिकोण से यह गढ़ रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी सरकार की नज़र से बचाने के लिए इसका प्रयोग सराय के रूप में किया जा रहा था। दाऊद खान के बेटे ने भी एक सराय का निर्माण कराया जो हामिद के नाम से है। इसमें लंबी और चौड़ी गलियां हैं और दोनों तरफ गेट भी है। यहां पर छोटा भवन भी है जिसे स्थानीय लोग इमाम बाड़ा कहते हैं। इसका रखरखाव अच्छा है। गारे से निर्मित एक और भवन है जिसे चैतेरा बोलते हैं। यह 3 मंजिला है। बढ़ते ऊंचाई में भवन शंकु के आकार का होते गया है। यह भवन घेरा रहित है और छत पंचाकृति में है, जो देखने में खास नहीं है। इसका आकार जयपुर के प्रसिद्ध भवन के जैसा मेल खाता है। इमामबाड़ी के पास 2 नवाबों के स्मारक बने हैं जो कि छोटे और अस्त व्यस्त हैं। दाऊद नगर का इतिहास को खोजने में लिखने में कई लेखकों ने कलम चलाई। फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के बाद दाऊद नगर अनुमंडल के इतिहास को करीब 21 वर्षों से खोजने एवं जानने में लगे थे। दाऊद नगर किला का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।